हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज फिर आपके लिए एक प्लांट्स के बारे में फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट्स को लगाना सीखेंगे कि हमें प्लांट्स किस तरीके से लगाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके के फ्लावर पॉट आपको कोई भी आपके मार्केट नियर बाय कोई भी लगती होगी। हमारे पास में थर्सडे मार्केट लगती है, तो मैंने वहाँ से ये 20 रुपीज़ के परचेज किए। तो फ्रेंड्स, जो हम ये प्लास्टिक के ये लेते हैं, ये इस तरीके के फ्लावर पॉट, इसमें हमें नीचे इस साइड ये हमें इस तरीके से यहाँ पे होल करने पड़ते हैं। तो ये मैंने होल किए हैं, ये मैंने चाकू को गर्म करके इस तरीके से होल बना लिए हैं। और ये होल करने बहुत ज़रूरी हैं। ये इन छेदों से ये होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन प्लांट्स को मिलती है। और अगर अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हो प्लांट्स में, तो वो पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है और प्लांट्स को उतना ही पानी प्लांट्स के अंदर रहता है जितना प्लांट्स को ज़रूरत होती है। तो और प्लांट्स इस तरीके से लगाने हैं फ्रेंड्स आपको कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। जो एक्चुअली में क्या होता है कि ये प्लास्टिक के जो फ्लावर पॉट होते हैं इस तरीके के, इनमें कुछ इस तरीके के प्लांट भी होते हैं कि जो वो ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको अपना तुलसी का प्लांट दिखाया था अपनी पिछली वीडियो में, तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया था। तो पहले मैंने क्या किया था कि मैंने तुलसी का जो पौधा है इस तरीके की प्लास्टिक के पॉट में लगा दिया था, तो वो बिल्कुल ग्रो नहीं किया। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हमें प्लास्टिक के इन पॉटों में नहीं लगाना चाहिए, उनको हमें मिट्टी के प्लांट्स में, मिट्टी के ही पॉट में लगाना चाहिए। जैसे कड़ी पत्ता हो गया और तुलसी का पौधा हो गया, ये हमें हमेशा मिट्टी के ही गमलों में लगाना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी के गमले होते हैं ये इनको बहुत अच्छे से इनको ऑक्सीजन वगैरह दे देते हैं और इनको बहुत अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं। अगर इन्हें थोड़ी सी भी अगर इनकी देखभाल में कमी रह जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए हमें इन्हें मिट्टी के ही पौधों में, मिट्टी के ही गमलों में लगाना चाहिए। तो अब ये जो मैं प्लांट लगा रही हूँ, ये ऐसे प्लांट हैं कि ये मिट्टी में भी लग जा, ये मिट्टी के गमलों में भी लग जाते हैं और प्लास्टिक के गमलों में भी लग जाते हैं। देखिए इस तरीके से, और सदाबहार हो गया आपका, टर्टल वाइन हो गया, बहुत सारे इस तरीके के प्लांट हैं कि जो हमारे प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर लेते हैं। स्नेक प्लांट भी प्लास्टिक के पॉट में अच्छा ग्रो करता है। तो बाकी प्लांट हमें इसमें लगा लेने चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लगाने हैं हमको प्लांट। अब मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने इस तरीके से होल कर लिए हैं, ये देखिए। अब आपके घर में कोई भी इस तरीके का कोई भी इस तरीके का ऐसे कोई भी बैग होगा, कैरी बैग कॉटन का, तो हमें क्या करना है, इसको कट कर लेना है। एक पीस हमें इसमें से कट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने ये कट कर दिया और इसको हम यहाँ इस तरीके से अंदर लगा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉटन का ही होना चाहिए इस तरीके का, और बिल्कुल लाइट होना चाहिए, और प्लास्टिक नहीं लगाना आपको इसके अंदर, क्योंकि ये हमने इसलिए लगाया है कि हम इसमें जो मिट्टी डालेंगे और खाद डालेंगे वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। और इससे क्या होगा, ये इतना लाइट है, कॉटन का जो होता है कपड़ा काफ़ी लाइट होता है, तो उसमें ऑक्सीजन भी पास हो जाती है, प्लांट्स को अच्छी ऑक्सीजन भी मिलती है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, हमें मिट्टी और खाद, हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर मात्रा में हमें बनाना है। जैसे हमने इसमें फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट को तैयार करने के लिए हमें उसमें आधा मिट्टी और आधा खाद मिलानी है। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी मैंने, आप जब भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि हम मिट्टी कहाँ से लेके आएं और खाद कहाँ से लेके आएं। इस तरीके की खाद देखिए, जो क्या होती है कि हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होती है और हमारे प्लांट हेल्थी रहते हैं। तो इस तरह की कहाँ से लेके आएँ, तो फ्रेंड्स ये हमने नर्सरी से ही ली है, जो DDA की नर्सरी है। आपके आसपास भी ज़रूर नर्सरी होंगी, गवर्नमेंट की नर्सरियाँ भी होती हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये मिट्टी और खाद मिल जाती है। ये मिट्टी मैंने 5 रुपये किलो के हिसाब से ली है। ये मैंने 20 किलो मिट्टी मैं अपने घर में लेके आई, ये 5 रुपये किलो के हिसाब से है मिट्टी। इस ये देखिए, और इसमें कुछ भी नहीं मिला है, सिंपल मिट्टी है। और ये इस तरीके का
ये देखिए ये कंपोस्ट है, और ये देखिए ये मुझे 70 रुपये का, ये 5 kg का एक बैग है पूरा, देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल 5 किलो का ये बैग है पूरा, ये भरा हुआ था, जिसको मैंने हाफ यूज कर लिया है अपने प्लांट्स में, मैंने उनको डाल दिया है। तो देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंपोस्ट रहता है, जो नर्सरी से जो आप कंपोस्ट लेते हैं वो काफ़ी अच्छा रहता है, ये बिल्कुल उनको प्लांट्स की लीव्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाते हैं, और इसमें हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलाई रहती है, और देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो आप अपने तुलसी वगैरह के प्लांट में भी इसको डाल सकते हैं। तो इसको बराबर मात्रा में मिलाकर हमें बनाना होता है। तो जैसे ऐसे मैंने ये मिला लिया है, ये देखिए मैंने इतनी मिट्टी इसमें डाल ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसी में मैं यहाँ पे खाद भी डालूँगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए मिट्टी और खाद अब ये दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे तरीके से, और आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मिट्टी हमेशा थोड़ी गीली होनी चाहिए। देखिए ये मैंने मिट्टी को गीला कर दिया था, इस तरीके से थोड़ी गीली होनी चाहिए मिट्टी, में नमी होनी चाहिए, सूखी मिट्टी नहीं आपने डालनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से खाद और मिट्टी को मिला लेना है। खाद अगर ज्यादा भी हो जाएगी तो चलेगा, ये देखिए अब ये रेडी हो गया। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये वाला फ्लावर पॉट है, इसमें हमने ये जो कपड़ा लगाया था इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे इस तरीके से इसमें थोड़ा मिट्टी को हम इसमें इस तरीके से भर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने प्लांट्स का लेबल चेक करेंगे। देखिए अभी हमें थोड़ा सा इसको और भरना है, ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये कैरी बैग को हमें, इसको प्लांट को ऐसे नहीं खींचना है हमको, हमें क्या करना है बहुत ही आराम से ये कैरी बैग को इस तरीके से हमें कट कर लेना है, और ये हमने इस तरीके से, ये देखिए हमने ये इस तरीके से इसको निकाल दिया, और हमें अब इसको इस तरीके से रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर मिट्टी डाल एज इट इज, जिससे क्या होगा कि ना प्लांट की जड़ हिलेगी ना कुछ हिलेगा, और ये बिल्कुल आराम से बिल्कुल जैसा ग्रो था हो रखा वैसा ही ग्रो करेगा, और बहुत ही अच्छे से आप इसको घर पे अपने अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक प्लांट आपके सामने बिल्कुल लगा के दिखा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है प्लांट्स को लगाना, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही इजी तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसको प्लांट को लगा के आपको थोड़ा सा इसको स्प्रे कर देना है इस तरीके से, और ये इसके लिए इसमें इस तरीके से, क्योंकि हमारी मिट्टी पहले से ही नमी वाली थी गीली थी, तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, और बस हमें इसे रख देना है। देखिए एक बिल्कुल रेडी हो गया है ये आपका फ्लावर पॉट, और देखिए दोस्तों कितना झटपट हमने ये सब कुछ कर लिया, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपनी बालकनी को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सस्ते में और अपने बजट में आप अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरह की नई वीडियो के साथ, और दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो तब तक के लिए बाय।